किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के विभिन्न नदियों के किनारे श्रद्धालुओं ने नदी स्नान के पश्चात पूजा अर्चना करते हुए माघी पूर्णिमा का त्योहार मनाया, जो कि बरनी मेला के नाम से भी प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में आने वाले हर वर्ग के लोग यह पर्व धूमधाम से मनाते हैं। बताते चले कि माघी पूर्णिमा के दिन नदी स्नान के पश्चात जल अर्पित करने से रोग निवारण होता है, इसलिए लोग मेची महानंदा जैसे बड़े नदियों के किनारे भारी तादाद में एकजुट होकर मेला को आयोजित करते हैं, जिसे देखने के लिए आए बहुत लोगों के आगमन से एक बड़ा मेला के रूप में देखने को मिलता है। मेले में कोई भगदड़ न मचे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी तैनात देखे गए। और जिला की जनता को हार्दिक शुभकामना। और ये बरसों से 50 वर्षों से ये मेला लगते हुए आ रहा है, माघी पूर्णिमा का मेला। और हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक माहौल में ये मेला हो, और जितने भी लोग आते हैं शांतिपूर्वक माहौल में ही इस मेले में अपना जो भी बिजनेस के आते हैं, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हो, और शांति से ही सारा प्रोग्राम इसका संपन्न करवाया जाए। और अगर ये शांतिपूर्वक ये संपन्न हो जाता है, इसके लिए सारे ही ग्रामीण और बाहर से आए हुए जितने भी दुकानदार भाइयों हैं, उन लोगों को मैं यही चाहूँगा कि आप शांतिपूर्वक सारे माहौल को बना के रखें, और किसी तरह की कोई वाद विवाद ना हो। कहीं भी अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो आपका पंचायत, आपका प्रशासन आपके साथ है, कहीं बोधरेशन ना हो, और सही सलामती की इस मेले को संपन्न करवाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन के ओर से। जहाँ घाट पे जहाँ स्नान होता है वहाँ भी पुलिस प्रशासन के लोग सिविल में हैं, और वार्ड के जितने भी मतलब पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब मेले के अंदर में, मेले ग्राउंड के अंदर सब अपने अपने जगह पे कायम हैं। बेच की सुविधा नहीं है, अलग चीज़ है, लेकिन सिविल में ही हो, लेकिन अपने स्तर से सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई बोधरेशन नहीं हो। किसी तरह की कोई समस्या अगर होती है इस मेले में तो उसके लिए सारे लोग एकदम एक जुट होकर तात्पर्य है। और यहाँ के पब्लिक भी जो है वो काफ़ी समझदार हैं, ये वो लोग भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं होंगे, और अगर समस्या होगी तो उन लोग आपस में खुद ही समाधान कर लेंगे। खास है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपना श्रद्धालु लोग, भक्त लोग यहाँ जल ढलाते हैं और मनोकामना पूरा होता है। इसलिए आज से 38 साल पहले ये मेला शुरू हुआ था और आज भी ये मेला कायम है।